देखिए जीवन में ना अपने अंदर से अहंकार बिल्कुल निकाल दीजिएगा। अहंकार बहुत ही खराब चीज है। कहते हैं कि अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता, छत पे चढ़ जाओ तो खुद का मकान नहीं दिखता। अहंकार नहीं करना चाहिए। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। अहंकार कभी नहीं कीजिएगा। तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है, और घमंड ज्यादा हो जाती है तो हस्ती डूब जाती है। जिस दिन आपको घमंड होने लगे ना अपने आप के ऊपर कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, हम बहुत पढ़ लिए हैं, हम बहुत सक्सेसफुल मैन हो गए, हम बहुत बड़े बिजनेस मैन, हम बहुत, मतलब जिस दिन आपको घमंड हो गया ना उस दिन आप शमशान घाट में जाके दिखेगा, आपसे नायाब लोग, आपसे अच्छे अच्छे लोग वहाँ खार बन गए। सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट। तो लड़कियां फोनवा पे बतियाती हैं सब ना, तो माँ बाप इग्नोर कर देता है। बहुत ही हो खचरी होती है सब। बाथरूम में जाएगी सर तो टोटिया खोल देगी सर, भड़बड़ 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 बोलेगा, अंदर बतियाएगी सर, हाँ अरे हम नहाने के बहाने आए हैं, बताओ खाना खाए कि नहीं हम। जब बेचती दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस तो फुटबॉल है। हम लोग को फुटबॉल अच्छे नहीं लगता है। फुटबॉल अच्छा लगेगा किसी को? इंडिया में किसी को फुटबॉल देखना अच्छे नहीं लगता है। एक चुटकुला है कि बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को फुटबॉल दिखाने कोई लेके चला गया, तो फुटबॉल देखे एक घंटा से देख रहे थे। पूछे कि सब आदमी मिल के इसको गेंदा को काहे मार रहा है, तो उसने कहा कि सर इसको गोल करने के लिए मार रहा है ना, गोल करना है। तो लालू प्रसाद यादव कहे कि जुराव तो अपने गोल है रे, अब उसको कितना गोल करेगा। अरे भाई ये गोल तो दूसरा ना, उनको लग रहा था कि गेंदवा को गोल करेगा। ऐसे एक चुटकुला की तरह है। तो इंडिया अलग अलग देशों का अलग अलग पसंद होता है। इंग्लैंड बताइए किस लड़के को शौक नहीं होगा कि हम पढ़ाई करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने मोहल्ले समाज का नाम रोशन करें। जितनी ज्यादा कामयाबी होती है ना लोग उतने ज्यादा गर्व करते हैं। छोटी सी कामयाबी होगी माँ बाप खुश होंगे, थोड़ा और बड़ा कामयाबी होगा पूरा मोहल्ला खुश होगा, बहुत बड़ा कामयाबी होगा पूरी राज्य खुश होते हैं लोग। अरे हमारे यहाँ के हैं ये, जैसे अब मान के चलिए किसी का कोई अब्दुल कलाम, जिस जगह के वहाँ के लोग गर्व से कहते हैं हमारे यहाँ से अब्दुल कलाम है, कहते हैं कि नहीं। समय के साथ अब कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है। लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। वक्त नहीं लगाइए आपको यह निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। जैसे बिजली तड़कता है तो आपका मोबाइल जो होता है टावर से कनेक्ट रहता है, इसलिए बिजली मोबाइल की ओर तेजी से भागता है। देख रहे हैं इसे सुरी बतिया रही है, पता नहीं कहाँ खूब मन से बतिया रही है, यह है ना अभी थी हो जाएगी, जैसे बिजली गिरेगा थी। तो इसलिए जब बिजली गिरे ना तो की छत पे बतिया, हाँ खाना खा ली, ये सब नौटंकी नहीं, अंदर रहना चाहिए, नहीं गिर जाएगा तो थे हो जाएंगे आप। तो और गलती नहीं करना है, जब बिजली तड़क रही होती है तो लोग छाता लगा लेते हैं। छाता का जो रॉड होता है, आप रॉड को पकड़े रहते हैं, आप जमीन पे रहते हैं तो जमीन से ये रॉड जो होता है ना ग्राउंड हो गया रहता है, और ये छाता को पकड़ के मार देता है, करंट बहुत तेज बिजली गिर जाती है। देखिए ये बकलोलिया पता नहीं किसका इंतजार कर रही है छाता लगा के, अभी जाएगी ही हो, धड़ाम से गिरेगा चल जाएगी। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि 10 साल बाद लोग आपसे मिलेंगे ना तो पूछेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितना कमाते हो, ये नहीं पूछेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी। क्या समझ में आ गया? ये सब टेम्परेरी चीज होते हैं, सभी सब हटाइए ये सब चीज़ों को। जिस दिन आपको जिस दिन रियलिटी समझ में आएगी ना, उस दिन कोई बोल, हम आपको क्या बोले। आज जिनको आप सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त आएगा जब वो मुफ्त में मिलेंगे तो आपको मंजूर नहीं होगा। ये सब चीज़ें फालतू होती है, लेकिन अभी उम्र की गलती होती है, उम्र के बाद सब सुधर जाते हैं। कृष्ण भगवान का भी एक उम्र था जब गोपियों के पीछे घूम रहे थे, एक उम्र आया भाड़ में गई गोपियां, मारा देखे महाभारत करा के रख दिया। कृष्ण भगवान भगवान तब तक नहीं कहलाए जब तक उन्होंने गोपियों का साथ नहीं छोड़ा, तब तक वो केवल कन्हैया कहलाते थे। भगवान तभी कहलाए जब उन्होंने लड़कियों का साथ छोड़ा, तो अब तक केवल आप विद्यार्थी कहलाएंगे जब तक कि लड़की या गर्लफ्रेंड के साथ रहेंगे। जिस दिन इनका साथ छोड़ेंगे ना उस दिन दुनिया आपको देखेगी।